मैसेज यही रहेगा, आप इस पे इंग्लिश और रीजनिंग मैथ पे फोकस करिए, जीएस का तो पता। साइंस क्वेश्चन, साइंस भी देखो, साइंस क्वेश्चन क्या क्वेश्चन मॉक टेस्ट नहीं दिए थे ना तो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है हरमीत, आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। जैसे कि जानते हैं आज 25 जुलाई SSC CGL टीयर 1 का एग्जाम चल रहा है, बच्चे छूट चुके हैं मेरे। 75 मैंने अटेम्प्ट किए हैं। 75 आपने अटेम्प्ट, बहुत अच्छा आपका अटेम्प्ट रहा। कौन इंग्लिश वॉज वेरी इजी, इंग्लिश भी अच्छा था, रीजनिंग भी बहुत अच्छा था। मैथ्स के मतलब 4-5 क्वेश्चन थे जिसमें आप थोड़ा सा फंस सकते हैं, और GS तो मुझे नहीं समझ आया। GS नहीं आपको समझ में आया? स्टैटिक और करंट बेस्ड ज़्यादा थे क्वेश्चन, हिस्ट्री के आई थिंक 2-3 क्वेश्चन थे। और अच्छा बच्चे वहाँ हॉल में एबसेंट हो रहे हैं, कैसे क्या ये तो नहीं आया? आपने मॉक टेस्ट कहीं दिया था? मॉक टेस्ट हाँ textbook.com। आज कुछ आपको हेल्प मिला? और मैंने कोचिंग लिया था RWS से। RWS ऑफलाइन क्या ऑनलाइन? ऑनलाइन कोचिंग जी। और क्या देना चाहते हैं, जो मतलब कुछ रहेगा मैसेज, क्या रहेगा बच्चों के लिए? मैसेज यही रहेगा, आप इस पे इंग्लिश और रीजनिंग मैथ पे फोकस करिए, जीएस का तो पता नहीं कहाँ से पूछ रहा है। सेकंड ग्रेड मास्टर वाला आ गया था, फिर महान्यायवादी और ऐसे और क्वेश्चन थे। अच्छा, कोई मतलब कि देखने को मिला का जो साइंस क्वेश्चन, साइंस भी देखो मतलब। हाँ, साइंस से क्वेश्चन था, क्वेश्चन आया था साइंस से, क्वेश्चन था आपका कोई संविधान, कोई आर्टिकल से। हाँ, संविधान तो आया था, जैसे आर्टिकल सब, वो क्या नाम है, अरे अब यहाँ इस टाइम नहीं आ रहा। और कोई मतलब कि कोई मतलब कि झील पहाड़ नदियाँ जियोग्राफी से देखते हैं? नहीं नहीं, जियोग्राफी से बहुत जी। और इसी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से, ब्लड रिलेशन से, रीजनिंग में कितने क्वेश्चन? ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन था, डिकोडिंग कोडिंग से 3 क्वेश्चन थे, वर्क टाइम से कम से 3-4 क्वेश्चन था, ठीक है। और डायग्राम वाले क्वेश्चन कितने देखे? नहीं, डायग्राम डायग्राम को 2 क्वेश्चन थे, वो DI के 2 क्वेश्चन थे, ग्राफ वाले 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन बताइए, क्या क्वेश्चन बने थे? ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन थे, ठीक है। टेक्नोमेट्री 3 क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चन टेक्नोमेट्री, जिसे आप कॉम्प्लिकेटेड क्या गया था, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड था। और कोई से था यार, बहुत सिंपल था, आराम से था, मस्त था, ठीक है। एक और था, एक ग्रुम्पी था, एक ग्रुम्पी रोड, ठीक है। और यही इलाहाबाद में। कैसा गया आपका एग्जाम? अच्छा। कुल कितने अटेम्प्ट किए ओवरऑल आप? 69 टोटल। कौन सा अटेम्प्ट आपका रहा है? सेकंड अटेम्प्ट रहा जी। तो थोड़ा सा किस सेशन तो आपको टफ लगे? जीएस थोड़ा टफ लगा। आपको इजी क्या लगा? सब बाकी तीनों सेक्शन नॉर्मल थे, बाकी और जो जीएस था स्टैटिक्स में बहुत वो था। अच्छा, टाइम को लगेगा, टाइम सफिशेंट पड़ गया, टाइम कम पड़ गया आपके लिए? कम पड़ गया, मॉक टेस्ट नहीं दिए थे ना तो। मॉक टेस्ट आपने नहीं दिया था? क्यों नहीं मॉक टेस्ट दिया? पता होना मॉक से तो अपना एक्यूरेसी बनती है, मॉक देना चाहिए। उस सिलेबस हुआ नहीं हो पाया था ना टाइम से। आप ऑनलाइन कर रहे हैं कोचिंग या ऑफलाइन कर रहे हैं? कहीं से ऑफलाइन किए थे, खत्म हो गया तो कोचिंग कर रहे हैं राकेश सर से। अच्छा, बात कर लेते हैं मैथ में किस टॉपिक ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला, आपको कुछ आइडिया है? टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड कितने क्वेश्चन थे? क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थे। नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन थे? नंबर सिस्टम 11 का था और एक जो 9 से ट्वेल्व का रूट पूछा था। और इसी बात कर लेते हैं, इसी ट्रिग्नोमेट्री कितने क्वेश्चन देखने को मिला? ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोण से 3-4 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन थे नॉर्मल से, एंगल DI वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन, एक या 2 क्वेश्चन। परसेंटेज से कितने क्वेश्चन थे? परसेंटेज से 2 था नॉर्मल। टाइम एंड वर्क से कितने बताए? 3-4 क्वेश्चन। हाँ, 3-4 क्वेश्चन, 2 परसेंटेज से थे, वो डिस्काउंट नहीं होता वो पूछा, सब्सिक्वेंट डिस्काउंट। बात कर ले कि कोडिंग डिकोडिंग से बाकी कितने क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन से कितने क्वेश्चन देखने को मिला? ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन था, नॉर्मल था, और कोडिंग डिकोडिंग से था उससे भी 2-3 था। और क्या क्वेश्चन थे? जैसे कि डायग्राम वाले, गिनने वाला भी था, काउंटिंग फिगर वाले, वो भी था, डायग्राम से था, 2 क्वेश्चन से डायग्राम से था, और जो नंबर सीरीज नहीं होते, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन था, और 4 क्वेश्चन था, एक 2 अल्फाबेटिकल से होता है और एक डिजिट वाले था, 4 क्वेश्चन। और काउंटिंग फिगर वाला भी क्वेश्चन देखने को मिला, कितने एंगल है, कितने डायग्राम है? नहीं। और क्लॉक से क्वेश्चन देखने को मिला? नहीं, क्लॉक से। डाई से क्वेश्चन? नहीं, डाई से। किस टॉपिक ज़्यादा देखने को मिला रीजनिंग में क्वेश्चन? इसी से नॉर्मल, एक नॉर्मल वाले ज़्यादा क्वेश्चन आए थे क्या? नॉर्मल वाले, हाँ, 3-4 क्वेश्चन थे। इनोमिन से, वैकैप से, दो क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन थे, 2 फिनोडन से, 2 एंटोनिम से, 1 वन क्वेश्चन था, और 1 ईडियम फ्रेश था, बस। टोटल आपने कितना अटेम्प्ट किया? 69 किया आपका बता रहे, मतलब पहला अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट? सेकंड अटेम्प्ट। अच्छा, पहले में क्या दिक्कत परेशानी हुई थी? पहले में मैंने पढ़ा नहीं था, तो कोचिंग वोचिंग उतना हुई नहीं थी उस तरह पूरी, आपकी पूरी हुई बट
वो कहते हैं रिवीजन नहीं हो पाया। अच्छा वहाँ वापस ज़्यादा हॉल में बच्चे अब्सेंट हो रहे हैं, कुछ ऐसा देखने को मिला अब्सेंट हो रहे हैं? हाँ नहीं, बच्चे आपके हॉल में अब्सेंट पूरे हाथ बैठे हैं वो रखे रहा। कोई कोई दिक्कत कोई परेशानी अंदर जाने के बाद? नहीं कोई दिक्कत, सब अच्छा। और क्या रहेगा मैसेज जो बच्चे अभी बच्चे हैं उनके लिए इसमें क्या रहेगा? यही कि अच्छे से रिवीजन करें और मॉक टेस्ट दें और एनालिसिस करके फिर आए पेपर दें, अच्छा जाएगा। ठीक है, और कुछ मोटिवेशन कुछ लाइन बोलना चाहेंगे? एक लाइन कुछ है आपके बताइए। मोटिवेटर तो उस तरह से नहीं कर सकते, बट और कुछ मेहनत करो बस और क्या। और मेरे चैनल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कैसा मतलब क्या रहा है कुछ बताइए, मेरे सपोर्ट के बारे में कुछ बोलिए, चैनल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा जो भी कर रहे हैं अच्छा, जितने बच्चों तक पहुँचेगा वो पहले सवेर रहेंगे कि कैसा क्या हो जा रहा, उतने डरेंगे नहीं कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा पहले। अच्छा मतलब कि क्या कुछ फ़ायदा होता है कैसे कि जैसे कि सब बिजनेस देख करके वीडियो कुछ फ़ायदा होता है 1-2%? हाँ होता है, क्या नहीं होता। आपने देखा था ऐसी एनालिसिस किसी का कहीं रिव्यू? हाँ बहुत देखता था, जो पेपर वेपर था उससे पहले लोग डालते हैं ना, आप जैसे आपने तो वैसे जाके पूछते थे कैसा होता है, तो उससे एक अंदाज़ा ओवरव्यू लगता है कि कैसा एक्चुअली में कैसे, जैसे वो सब देते हैं तो वैसा खुद का भी फील होता है हाँ बेटर कर सकते हैं। अच्छा क्या नाम है आपका? सौरभ। कहाँ से? वो अम्बेडकर नगर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, कंग्रेचुलेशन आपकी लाइफ।